जल को जल, मीन को मीन कह दिया, आकाश को आकाश, जमीन को जमीन कह दिया, बस गुनहगार हो गया उनकी नजरों में, रात को रात और दिन को दिन कह दिया। जी हाँ, कई लोग सिर्फ इसीलिए दोषी हो जाते हैं कि वे सच को सच और झूठ को झूठ कह डालते हैं। ऐसा ही एक चर्चित और जाना माना नाम है देश के सुप्रसिद्ध आधुनिक लेकिन परंपरा के धनी कवि कुमार विश्वास का, जो कभी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड और आपके बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन उन्हें सच बोलने की सजा मिली, सियासी साजिश के शिकार हो गए और अंत में उन्होंने आप और दिल्ली सरकार दोनों से हटने का फैसला ले लिया। उन्हें इस कदर मजबूर कर दिया गया कि वो आप और दिल्ली सरकार दोनों से जुदा हो गए। लेकिन कुमार विश्वास हैं कि आज भी कुछ न कुछ सच बोल ही जाते हैं, और जब जब सच बोलते हैं केजरीवाल की खांसी बढ़ जाती है। एक बार फिर कुमार विश्वास ने सीएम अरविंद केजरीवाल, उनके गैंग और गुर्गों की पोल खोल दी है। नमस्तुभ्यम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। हमारे खास कार्यक्रम थर्ड आई में आपका स्वागत है। थर्ड आई में आज बात होगी दो खबरों की। पहली खबर तो यह है कि कवि कुमार विश्वास के एक ट्वीट ने केजरीवाल सरकार की नींव में फिर से शराब डाल दी है। वहीं दूसरी खबर है एक बेटी की, जो बोल नहीं सकती है लेकिन उसके मौन ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया है। तो बात करते हैं पहली खबर की। कवि कुमार विश्वास ने आज एक ट्वीट किया। कुमार विश्वास ने लिखा कि पीने वालों की उम्र 21 साल से 18 साल करने और 1000 नए ठेके खुलवाने की नीति लागू करने की सिफारिश लेकर 2016 में दिल्ली शराब माफिया दारू जमाखोर विधायक के साथ मेरे पास आया था, मैंने दुत्कार कर भगा दिया था और दोनों नेताओं को चेतावनी दी थी। अब छोटे वाले के साले ने 500 करोड़ की डील में मामला सेट कर लिया है। कुमार विश्वास ने जो ही ये ट्वीट किया तो तुरंत आप विधायक नरेश बाल्यान ने कुमार के ट्वीट पर रिट्वीट कर दिया। नरेश बाल्यान ने लिखा, लगता है आज सुबह गलत पदार्थ का सेवन कर लिया है आपने। 2021 तक दिल्ली में शराब पीने की आयु 25 वर्ष थी, नई नीति के बाद 21 वर्ष की गई है। दूसरा तथ्य यह है कि शराब का एक भी ठेका नहीं बढ़ा है, 4 ठेके कम हुए हैं। बाकी हमें पता है कि राज्यसभा का दर्द जीवन भर रहेगा, ऐसे ही झूठ फैलाते रहो। बस क्या था, कुमार विश्वास ने बाल्यान के ट्वीट का जवाब दे दिया और बड़ा खुलासा कर दिया। वो जिस दारूबाज जमाखोर विधायक की बात कर रहे थे वो बाल्यान ही हैं। कुमार विश्वास ने लिखा, चोर जो चुप्पी लगा जाता तो वो कम पीटता, बाप का नाम बताने की जरूरत क्या थी, मैंने तो बस दारू जमाखोर विधायक लिखा था, तुम ही आए थे यह जताने की जरूरत क्या थी बालक। अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल साल 2021 के 17 नवंबर को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति घोषित की। इसके तहत शराब को लेकर बड़े बड़े नियम कानून तय किए गए, जैसे शराब पीने वालों की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल की गई, सभी सरकारी शराब दुकानें बंद की गईं, सुबह 3 बजे तक बार सेंटर खुले रहेंगे, जाम छलकेंगे, खुली छत पर भी अब शराब परोसी जा सकेगी, 5 स्टार होटल में 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहेगी, राजधानी को 32 जोन में बांटकर 849 लाइसेंस आवंटित किए गए, दिल्ली के 272 वार्ड को 32 जोन में विभाजित किया गया, प्रत्येक जोन में 26 से 27 दुकानें खोली गईं, होम डिलीवरी की सुविधा दी गई। कुल मिलाकर मतलब समझ लीजिए कि केजरीवाल सरकार ने प्रत्येक दारूबाज को VVIP ट्रीटमेंट देने का प्रावधान कर दिया और प्रत्येक मोहल्ले में शराब दुकान खोल दी गई, ताकि किसी को भी दवा मिले या न मिले लेकिन दारू जरूर मिलनी चाहिए। अब क्या था, जब प्रत्येक मोहल्ले में दुकान खुली तो लाजमी है बवाल होना तय है। कुछ जगह के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया।
और इस विरोध को हाथों हाथ लेते हुए बीजेपी ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया और इस नीति का विरोध करते हुए कहा कि इसे केजरीवाल सरकार को वापस लेना होगा। इसी पर कुमार विश्वास ने ट्वीट किया और केजरीवाल सरकार की पोल खोल दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि छोटे वाले के साले ने 500 करोड़ में मामला सेट कर लिया। यहाँ छोटे वाले से मतलब शायद मनीष सिसोदिया की बात हो रही है और इस मामले में 500 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है। अब जरा ये बता देते हैं कि इस नई आबकारी नीति से केजरीवाल सरकार को क्या और कितना फायदा हुआ। दरअसल शराब नीति लागू होते ही इसके रेट बढ़ गए। शराब बेचने संबंधी लाइसेंस नई आबकारी नीति के तहत देने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसमें वार्षिक लाइसेंस फीस में भारी इजाफा किया गया। इससे दिल्ली सरकार को एक साथ 9000 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो गया। सही है, सफेद पानी मुफ्त में दो और लाल पानी से वसूल लो। इस शराब नीति की सच्चाई ये है कि दिल्ली में शराब माफियाओं का वर्चस्व एक बार फिर बढ़ गया। वे जहां तहां दुकान खोलने लगे और इसका परिणाम ये है कि स्कूल, कॉलेज, मंदिर, अस्पताल के आसपास और आमने सामने शराब की दुकानें खुलने लगी। कुछ दिन पहले पीतमपुरा में लोगों ने शराब का ठेका खोले जाने को लेकर विरोध किया था। इससे पहले बदरपुर गांव दक्षिण दिल्ली में, कालकाजी, रोहतास नगर में, नथु कॉलोनी समेत अन्य इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं निर्माण विहार के पास राघोपुरी में शराब की प्राइवेट दुकान बैंक के बगल में और मनोविकास स्कूल फॉर इंक्लूजन के सामने अलॉट की गई। स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने इसका विरोध किया, लेकिन सरकार को इससे क्या फर्क पड़ता है। चुनाव है, सब कुछ मुफ्त देना है, उसके लिए पैसे चाहिए तो दिल्ली में पैसे आएंगे कहाँ से। यही रास्ता है कि सफ़ेद पानी मुफ्त में दो और लाल पानी से वसूल लो। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। इससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर एक बार हर किसी की आंखें नम हो गई। ये बेटी है पंजाब की, इसका नाम है मल्लिका हांडा, जो एक शानदार शतरंज खिलाड़ी है। 25 वर्षीय मल्लिका हांडा ने शतरंज में 7 नेशनल गोल्ड, 4 इंटरनेशनल सिल्वर और 2 इंटरनेशनल गोल्ड पदक जीत चुकी है। इस बेटी को ईश्वर ने असाधारण प्रतिभा तो दी, लेकिन एक कमी कर दी, इसकी आवाज़ में थोड़ी बाधा डाल दी। ये मूक बधिर है। इसने आज एक वीडियो ट्वीट किया और पंजाब सरकार से सवाल पूछा। उसने अपनी तोतली भाषा में कहा कि वो सरकार से उम्मीद लगाए बैठी है कि उसे नौकरी या सरकारी मदद मिलेगी, जिससे वो अपने को और अपने खेल को और आगे बढ़ाएगी, लेकिन पिछले 5 वर्षों से पंजाब सरकार उसे लगातार धोखा दे रही है। 31 दिसंबर 2021 को वो पंजाब के खेल मंत्री से मिली थी, जिन्होंने इस लड़की से कहा था कि वो इसे जॉब नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास मूक बधिर खिलाड़ियों के लिए ऐसी कोई योजना या नीति नहीं है। मल्लिका हांडा ने लिखा कि ये सारे मेडल और सर्टिफिकेट उसके लिए बेकार हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों को लाखों करोड़ों का पुरस्कार मिलता है, मैं खेल छोड़ दूंगी, मेरी 10 साल की मेहनत बेकार हो गई। जब इस बेटी का वीडियो वायरल हुआ तो पंजाब के डिप्टी सीएम रंधावा ने आश्वासन दिया कि उसे मदद दी जाएगी, उसकी मदद की जाएगी। खैर, ये बेटी है, दिव्यांग है और शतरंज खेलती है, इसके कष्ट को भला ये सियासी खेल खेलने वाले क्या समझें। अब आप खुद सोचिए कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल और झारखंड, यही कुछ गिने चुने राज्य हैं जहां के खिलाड़ी इंटरनेशनल और नेशनल स्तर पर मेडल लाते हैं और नाम रोशन करते हैं।
तब तो यही सियासी खिलाड़ी राजनेता उन खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचाने पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि साहब मेरी सरकार ने ऐसा काम किया कि खिलाड़ी आज यहां तक पहुंच गए हैं। वहीं इस पंजाब में उसी कांग्रेस की सरकार है जिसकी महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कहती हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन ये पंजाब है बेटी, इस बात को समझो, यहां ना तो तुम लड़ सकती हो न ही खेल सकती हो, क्योंकि यहां वे पहले से सत्ता में हैं, यहां उन्हें अभी उसकी जरूरत नहीं है, उन्हें उसकी जरूरत है जो सियासी खेल खेल सके। किसी शतरंज खिलाड़ी की जरूरत भला इन्हें कैसे और क्यों होगी। अभी के लिए कैपिटल टीवी में इतना ही, देखते रहिए कैपिटल टीवी, नमस्कार।